हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। आज हम शेयर बाज़ार की आईटी कंपनीज के बारे में बात करेंगे। जो आईटी कंपनी शेयर बाज़ार में लिस्टेड है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आईटी कंपनीज के बिना शेयर बाज़ार अधूरा है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हर काम आईटी से जुड़ा है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इस समय वीडियो भी देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आईटी से कनेक्टेड है। ऐसे में हम कहाँ निवेश करें, वो एक क्वेश्चन है। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में आईपी कंपनीज का क्या रोल है, और नहीं तो आज आप इस वीडियो की जानकारी से आप जान जाएंगे। और अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में आईटी कंपनीज आपकी हेल्प करेगी और बहुत कामगर साबित होगी। इसके अलावा वो कैसे, तो आगे हम वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और चलते हैं वीडियो की तरफ, पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हमारा हौसला बना रहे, और बेल आइकन को हिट करिए। आज हम निफ्टी में जो हमारी आईटी कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी निफ्टी में आईटी कंपनी जो लिस्टेड है वो 10 कंपनीज लिस्टेड है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर NIIT टेक, माइंडट्री, नौकरी, विप्रो, L&T, इन्फोटेक, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस एंड SCL टेक्नोलॉजी। ओके, बट हम यहाँ पर केवल सुरक्षित और सबसे अच्छी कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर चूज़ करी है वो केवल 5 कंपनी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, जिनमें से चार कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है। निफ्टी 50 का पार्ट होना आपको पता ही है कितना बड़ा सम्मान की बात है कि निफ्टी 50 का पार्ट है वो कंपनी। निफ्टी 50 में जैसे कि हम जानते हैं कि ये इन्फोसिस, TCS, इसके अलावा विप्रो, SCL, ये कंपनीज निफ्टी 50 में लिस्टेड है। तो आइए हम चलते हैं पहले TCS की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं TCS यहाँ स्क्रीन पर, TCS मतलब टाटा कंसल्टेंट सी सर्विस लिमिटेड। ओके, ये टाटा ग्रुप का एक पार्ट है। और आज का परफॉर्मेंस जैसे कि हम देख रहे हैं 30 पॉइंट्स की गिरावट है, मींस 1.33% की यहाँ पर गिरावट है। बट हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप देखिए किस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो जैसे कि एज यूजल मैं बताता रहा हूँ कि जिस अगर किसी चीज मैक्सिमम चार्ट पैटर्न किसी भी कंपनीज का ऊपर की तरफ जाता है तो वो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, उसमें निवेश करना हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। तो 2004 में ये कंपनी 120 रुपीज़ की हुआ करती थी और आज आप देख रहे हैं जैसे कि 2279 रुपीज़ की ये कंपनी हो गई है। तो आपको बताना चाहता हूँ ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से हमारे इंडेक्स इन निफ्टी 50 में सेकंड नंबर पर रिलायंस के बाद आती है। इसके अलावा आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसका जो 52 वीक लो था वो 1506 रुपये था 13 मार्च 2020 को, और इसका 52 वीक इसने कल की ही डेट में, मतलब आज की डेट में 29 जुलाई को 2342 रुपये का आज इसने 52 वीक लगाया है। इसके अलावा आज की डिलीवरीज की बात कर लेते हैं तो 22% की यहाँ 22.4% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है। इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो सारे जो कंपनी के ज़्यादातर इस हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक में 27.95% की हिस्सेदारी इसमें है। और आपको बताना चाहता हूँ इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेट फ्री कंपनी है, इस पर किसी भी तरीके का कर्जा नहीं है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख, और इस इन्होंने केवल 2.94% की हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। अगर ये बहुत ही कम है तो इतना चलता है, अगर 25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी अगर कोई कंपनी गिरवी रखती है एट दैट केस वो कंपनी में कुछ ना कुछ डिजास्टर है। बट 2% और 25% से कम हमेशा चलता है, वो उसमें कंपनी में ख़राब हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा इसके डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी 5 रुपीज़ का डिविडेंड और 40 पर शेयर के हिसाब से 2019 में दिया था, फिर 2020 में भी इन्होंने 5 रुपये का, फिर 2020 में 12 रुपये का, फिर 6 रुपये का, और फिर आज 5 रुपये का। मतलब ये कंपनी साल में 3 बार 4 बार डिविडेंड देती रहती है, और ये कंपनी आप
के बारे में हम आगे अलग से वीडियो भी बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी एज अ परफॉर्मेंस कितना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, कितना अच्छा अपने अपने होल्ड अपने शेयर होल्डिंग होल्डर को बहुत ज़्यादा डिविडेंड और बोनस देती है, जिसके सारे लोग रातों रात करोड़पति हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा हम दूसरी कंपनीज के बारे में बात करते हैं, इन्फोसिस की। इन्फोसिस इंडिया की बहुत जानी मानी और बहुत अच्छी कंपनी है, जिसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आज के डेट का आज का परफॉर्मेंस 10 पॉइंट्स की इसमें गिरावट है, और 1.13% लगभग की गिरावट यहाँ पर है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न किस तरीके से इसका ऊपर जा रहा है। जैसे और मैं हमेशा ये बताता रहा हूँ, जिसका चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ जाता है वो कंपनी सबसे अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी की एक और अच्छी बात है कि ये कंपनी डेट फ्री है, इसके ऊपर 0% का कर्ज़ा है, किसी चीज़ का इसको कर्ज़ा नहीं देना है। और ये कंपनी बोनस के मामले में और डिविडेंड के मामले में बहुत बेहतरीन कंपनी है, ये भी इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को रातों रात करोड़पति बनाया है। इसके अलावा आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो ये निफ्टी 50 का पार्ट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 52 वीक लो इसका 19 मार्च को था 509 रुपये का, आज देख रहे हैं कि 967 रुपीज़ का। विद इन 3 मंथ्स किस तरीके से इसने डबल लगभग लगभग डबल 100% के रिटर्न, 90-100% के रिटर्न लगभग लगभग ये दे रहा है। आज के शेयर हो आज का डिलीवरीज की बात तो देख लेते हैं, तो 38.9% की इसमें आज डिलीवरीज उठाई गई है। इसके अलावा कंपनीज में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो यहाँ प्रमोटर्स के पास 13.15% की हिस्सेदारी है, और कम पब्लिक के पास 86.42% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रमोटर्स ने कोई भी 0% का उन्होंने गिरवी रखा है, कोई भी इस यहाँ पर शेयर गिरवी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस कंपनी ने डिविडेंड अपने कस्टमर्स को दिया है, 2018 में 7 रुपये का, 2019 में 4 रुपये का, फिर 2019 में यहाँ 10 रुपये का, 2019 में 8 रुपये का, 2020 में 9.5 रुपीज़ का इसने डिविडेंड दिया है। और इसके अलावा ये कंपनी डिविडेंड एज वेल एज बोनस के मामले में बहुत अच्छी है, इसने भी लगभग 7-8 बार अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया है, जिसके सारे उनके शेयर कितने मल्टीप्लाई हो गए आप नहीं जानते। इसके बारे में हम बोनस के बारे में और किसी दिन किसी वीडियोस में बात करेंगे, और बताएंगे कि किस तरीके से बोनस रातों रात अपने शेयर होल्डर को करोड़पति बना देता है। इसके अलावा हम दूसरी कंपनीज की जो बात कर रहे हैं वो एलएनटी की है। एलएनटी है लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड। आज का जो इसका शेयर है 10% के नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है, और 0.44% का इसमें डाउनफॉल आया है। इसके अलावा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो इसका मैक्सिम ये कंपनी 2016 में लिस्ट हुई थी 700 रुपये पर, ज़्यादा टाइम इसे हुआ नहीं है, 4 साल ही हुए, और इसका शेयर इसका चार्ट देखिए हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। और आज की डेट में ये 700 रुपये पे लिस्ट, 700 रुपये इसका 2016 में था, और आज 2400 रुपये, मतलब लगभग लगभग 4 गुना इसने रिटर्न, 3 पॉइंट समथिंग 3 गुना रिटर्न तो इसने दिए ही दिए। इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, 52 वीक लो इसका 19 मार्च को 1210 रुपये, 1210 रुपये में ये शेयर मिल रहा था, और 52 वीक हाई इसका 27 जुलाई 2020, मतलब आज से 2-3 दिन पहले ही इसने 2489 रुपीज़ का इसने जंप मारा है। हाईएस्ट इसका जो लिंक हाईएस्ट गया है 2489 रुपये गया है। इसके अलावा इसका डिलीवरीज़ की बात की जाए, तो आज के दिन ही 65.45, मतलब देखिए कितने ज़्यादा लोग इसमें यहाँ पर बुलिश है कि लोगों ने 65.45% की हिस्सेदारी उठाई है, यहाँ से डिलीवरीज उठाई गई है। इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर्स के पास 74.53 और 74.51 की हिस्सेदारी आज भी है, पब्लिक के पास 25.49% की हिस्सेदारी है, और कोई भी शेयर इनका भी कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, कोई भी शेयर इन्होंने कोई भी किसी को दे नहीं रखा। इसके अलावा इसके डिविडेंड की बात कर लेते हैं, तो इसका जो 13.5 का इस डिविडेंड 2018 में दिया था, फिर एक बार 12.5 का 18 में दिया था, फिर 19 में इन्होंने 2 बार इंटर डिविडेंड दिया, और 2020 में भी इन्होंने 9 जुलाई 2020 को 15 रुपये 5 पैसे का इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छी है।
इसके अलावा हम बात करते हैं विप्रो की। सबसे चहेती सबसे अच्छी कंपनी विप्रो के बारे में बात कर रहे थे। इसका शेयर आपको केवल आज की डेट में 276 रुपये का मिल रहा है। 1.35 की इसमें जंप देखी गई है, मतलब 0.49% की। इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये गया, ये भी ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। ये मतलब विप्रो की बात ही क्या की जाए। विप्रो ने अपने कस्टमर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं कि कहते हैं, आपने यूट्यूब पे दे बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी कि आज इस जब ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी तो आज से 30-40 साल पहले, तो किसी ने अगर इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए होंगे उस टाइम, मतलब एक ने किए भी थे, एक कस्टमर इनका शेयर होल्डर था, तो उसने 10,000 रुपये के शेयर्स इसमें लिए थे विप्रो में, और उसने 30-40 साल बाद जब देखे तो उसके शेयर्स 600 से 800 करोड़ रुपए के हो गए थे। तो इस कंपनी ने सबसे बहुत बार अपने कस्टमर को बोनस दिया है। तो अगर ये एक तो उनके जो शेयर है हजारों से करोड़ों में हो गए हैं, और वो शेयर आज भी अगर कंपनी 1 रुपए का भी डिविडेंड देती है तो उन्हें सीधे एक एक दो दो करोड़ रुपए और करोड़ों में उनके पास डिविडेंड ही आता है। तो बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बार ये बोनस देती रही है, एज वेल एज डिविडेंड भी हर बार देती है। जैसे कि आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो ये 19 मार्च 2020 को 159 रुपीज़ का इसका शेयर हुआ करता था, 52 वीक लो ये है, और 21 जुलाई 2020 को 281 रुपीज़ पर इसने जंप मारा था। ओके, इसके अलावा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैट आज डिलीवरीज की बात कर लेते हैं, तो 34.65% की इसने डिलीवरीज उठाई गई है। तो देखिए कि कितने सारे लोग इसमें बुलिश है आज भी, कितने सारे लोग इसके शेयर लेना चाहते हैं। इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 74.202% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 25.59% की हिस्सेदारी है, और इनका कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। इसके अलावा हम यहाँ पर डिविडेंड की बात कर ले, 2019 में इसने 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा इन्होंने बोनस दिया था, जो मैंने आपको बोनस की बात करी थी कि ये कंपनी इतना बोनस देती है कि कस्टमर्स जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनकी उनके जो शेयर्स हैं ऑटोमेटिकली इतने बढ़ जाते हैं कि क्या बताया जाए। कि वो अगर किसी का 1,000 शेयर है और 1:1 का उन्होंने बोनस दे दिया तो 1,000 के सीधे डबल 2,000 उनके शेयर हो गए। इस और फिर 2020 में भी इन्होंने 1 रुपये का डिविडेंड दिया है। ओके, तो ये कंपनी एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आईटी कंपनी का ये है कि आपको बहुत लंबे टाइम समय के लिए रखना पड़ेगा। 5 से 10 साल के लिए रखते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टी बैगर्स स्टॉक है, और आपके आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, डेफिनेटली इन ये सारे के सारे शेयर होने चाहिए। इसके अलावा लास्ट हम बात कर लेते हैं SCL की। SCL जैसे कि ये हम SCL की बात कर रहे हैं, 708 रुपये में ये शेयर मिला करता था। आज के दिन इसने 18.05% की SCL की हम बात बात करते हैं, तो 18.05 पॉइंट्स की इसने गिरावट हुई है और 2.53% की गिरावट हुई है। इसके अलावा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, जैसे कि मैं हम ऑलवेज बात करता हूँ कि अगर चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है तो कंपनी लाजवाब है, कंपनी में आपको शेयर खरीदना चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए रख देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये कंपनी जब 2000 में NSE में लिस्ट हुई थी 122 रुपये की थी। ओके, और आज की डेट में ये 694 रुपीज़ पे स्टैंड करती है, और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत सारे बोनस दिए हैं। तो ये भी कंपनी बड़ी लाजवाब है, और आज के हम इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। और अभी SCL की न्यूज़ भी आई थी कि ये अपने किसी भी एम्प्लॉयज़ को जॉब से नहीं निकालेंगे, तो ये एक अच्छी कंपनी की पहचान है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान रखती है। 52 वीक लो की बात करते हैं, तो 19 मार्च 2020 को 375.25 रुपीज़ का इसने लो लिया था। इसके अलावा 52 वीक हाई की बात करते हैं, 28 जुलाई, मतलब कल के दिन ही 716 रुपये इसने 716 रुपये का इनका शेयर था। डिलीवरीज़ की बात की जाए तो 51.66% की डिलीवरीज़ आज उठाई गई है। देखिए कितना ये भी शेयर कितना बुलिश है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आईटी सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर सेक्टर है, और ये आगे चल के भी माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देने वाले हैं। तो आज शेयर लेते हैं और आगे लंबे समय के लिए रखते हैं तो आपके पैसे मल्टी बैगर हो जाएंगे। आइए, और आपको बोनस दे दे के ये कंपनी हैरान कर देगी और आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, अगर आप एक अच्छे शेयर होल्डर इसके बनते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम।
इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रमोटर्स के पास 60.33% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 39.67% की हिस्सेदारी है, और यहाँ पर कोई भी शेयर जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखा है वो। और डिविडेंड की बात करें तो 2019 में ₹2 का फिर ₹2 का, और 2019 में इन्होंने बोनस भी लाया था 1:1 का। अगर किसी के पास 1000 शेयर होते तो वो 2000 होते, तो 1:1 का इन्होंने बोनस भी लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोनस दिया तो मतलब उनके शेयर डबल हुए, डिविडेंड डबल हुआ, उनके पैसे भी डबल उन्हें एज ए डिविडेंड के रूप में मिलेंगे, उनके शेयर भी डबल हो गए, और काफ़ी अच्छा उन्हें रिटर्न एट द टाइम ऑफ फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे मिलेगा। 2020 में भी ₹2 का और फिर ₹2 का, आपको लगता है कि ये ₹2 का डिविडेंड देते हैं, बट जिनके पास करोड़ों शेयर है इन कंपनियों के, लाखों शेयर है, अगर ₹2 भी दिया, 1 लाख शेयर है, ₹2 भी दिया 2 लाख रुपये, 1 करोड़ शेयर है, ₹2 भी दिया 2 करोड़ रुपये उनके बैंक अकाउंट में है। तो ये छोटा नहीं होता, ये स्वीट डिश होती है जो आप साइड में आपको एज अ स्वीट डिश मिलती रहती है खाने के बाद, जैसे हम स्वीट डिश खाते हैं ना, इसी तरीके से ये आपको एज अ डिविडेंड थोड़ा थोड़ा देते हैं, तो आप उससे ही एज अ स्वीट डिश ही लेके मजे कर सकते हैं। तो वो ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईटी कंपनी के बिना शेयर मार्केट अधूरा है, आपका पोर्टफोलियो अधूरा है, आपका इन्वेस्टमेंट अधूरा है। अगर आप मल्टी बैगर बनना चाहते हैं, अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको इन कंपनियों को देखना होगा, और भी इनकी न्यू आगे आप रिसर्च करिए, ओके, और इन्वेस्ट करिए। ये आईटी कंपनी बूमिंग है और इनका फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा रहने वाली कंपनीज है, तो आप इनमें जाके इन्वेस्ट करिए। किसी फाइनेंशियल्स की एडवाइस भी ले लीजिए। इसके अलावा इन पे मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगा, जिसमें आपको सब कुछ इनके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनी कहाँ डिजर्व करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। बट आ जाने से भी, वीडियो को क्लोज करने से पहले आपसे विनती करना चाहूँगा कि हमारे बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फैलाइए, ताकि लोगों तक बहुत सारी जानकारियाँ मिल सके, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस।